doing great. So today I'm gonna show you party makeup, which I'm going to do on Ahana. She is my dear friend, and yes, अभी मैंने face clean किया है and just applied a rose water. Obviously I'll start with the eyes as usual. अब मैं eyes में मैं लगा रही हूँ एक base जो है NARS का medium shade, and उसके बाद I'm creating a transition shade जो है पर्पल टोन थोड़ा सा, एंड जस्ट एक ट्रांजिशन क्रिएट कर रही हूँ क्रीज लाइन पे. अब मैं थोड़ा सा हल्का मोर पिंकिश पर्पलिश ट्रांजिशन दे रही हूँ. पैलेट मैंने यूज़ किया है हुडा ब्यूटी की मर्क्यूरी पैलेट. अगर आप लोगों को ये पैलेट ख़रीदनी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दे दूँगी, सो आप लोगों को ईजीली परचेज कर सकते हो. बहुत अच्छी पैलेट है, इसमें शिमर्स भी होते हैं, मुझे अलग से शिमर लेने की ज़रूरत ही नहीं होती. अब मैं थोड़ा सा डार्कर टोन उसके कॉर्नर्स पे अप्लाई कर रही हूँ, एंड आई एम जस्ट ब्लेंडिंग इट ऑल ओवर और क्रिएटिंग अ लाइन, अगेन अ क्रीज लाइन सी क्रिएट कर रही हूँ. अब इन्होंने वाइट पहना था तो हमने सोचा क्या शिमरी आइज करते हैं एंड सिंपल नहीं रखते, थोड़ा ब्लिंगी कर देते हैं. तो मैंने क्रीज लाइन क्रिएट किया. एंड मैंने क्रीज लाइन पे ही थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ सर्कुलर मोशन से. ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, नीट होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए. अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं है तो सोचो आपका आई मेक बिल्कुल अच्छा नहीं होगा. अब मैंने उसी पैलेट से मैंने हल्का सा शीन शिमर लिया है वाइट कलर का, मैट लिया है पहले, उसको मैं लगा रही हूँ फिंगर टिप्स से ताकि एक बहुत ही अलग डिफरेंट लुक आ जाए. एंड उसके बाद हम थोड़ा सा शीन इफेक्ट भी देंगे सेम पैलेट में से. अगर आपको ऐसे छोड़ना है ऐसे छोड़ सकते हो, अगर आपको शिमर करना है तो शिमर भी अप्लाई कर सकते हो, इट्स ऑलवेज योर कॉल. जो ट्रिक्स मैं दिखाती हूँ वो बहुत इजी होती हैं गाइस, तो आप लोगों को होपफुली पसंद आती होंगी. बहुत सटल एंड एनहांस लुक आ जाता है इससे. नेक्स्ट आई एम यूजिंग शिमर, मैं ये मैक का शिमर है, सिल्वर लाइट गोल्ड सा शेड है ये, मैं वो यूज़ कर रही हूँ. फिंगर टिप से ही लगा रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ. ब्लेंडिंग ब्रश जो लगाया है मैंने वो है पैक कॉस्मेटिक्स का. हमने एक छोटा ब्रश लिया है और उसको इनर कॉर्नर से भी थोड़ा सा अच्छे से ब्लेंड कर रहे हैं हम. ओके, नाउ आई एम टेकिंग द स्मॉलर ब्रश लिया है मैंने, एंड मैंने डार्क कलर लिया है उसमें से थोड़ा सा पर्पलिश टोन का है जो, और मैं एक लाइन सी क्रिएट कर रही हूँ लाइनर के लिए, एंड आई एम जस्ट स्मजिंग इट. ये बहुत इजी वे है लाइनर लगाने का. अगर आप लोगों को लगता है कि आप लाइनर अच्छे से नहीं लगाते हो, सो यू गाइज कैन डू दिस, और इससे एक टिंट सा क्रिएट हो जाता है लाइनर का, तो बहुत अच्छा इफेक्ट आ जाता है. एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, दिस इज अ हैक. बहुत, अगर आप एक लाइनर भी लगाया है, अगर आप काजल लगा रहे हो, बहुत अच्छा हैक है ये गाइस, ट्रस्ट मी ऑन दिस. अगर आप कोई काजल लगा रहे हो मोटा सा, उसको ऐसे ब्लेंड कर लो, स्मज कर लो, बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस. ट्राई करना ज़रूर और डू लेट मी नो. अब मैं एक लाइन सी क्रिएट कर रही हूँ आई लाइनर की. मैंने जेल आई लाइनर लगाया है इंग्लॉट का, आई विल शेयर इट the link below. and मैंने एक proper पतली सी line create की है, बहुत बड़ी नहीं चाहिए थी मुझे line. अब मैं उसी को blend भी करूँगी, smudge भी करूँगी, और उससे ही angular shape करते हुए wings सा create करूँगी हल्का सा. नेक्स्ट मैं उसी से ही स्मज कर रही हूँ, सेम वही वाला ब्रश लिया है मैंने और ब्लेंड कर रही हूँ, अच्छे से स्मजिंग कर रही हूँ.
बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है, स्मच करना है. सेम थोड़ा सा मैंने ब्लैक आई शेडो लिया है जो है किको का, बहुत अच्छा इफेक्ट आ जाता है. ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये हैग आप ज़रूर ट्राई करना. बोथ आईज़ को अच्छे से ब्लेंड करना है, स्मच करना है अच्छे से. थोड़ा सा मैं उसको बाहर तक लेके जा रही हूँ, थोड़ा सा एक ताकि हम एक विंग लुक दे दें. नाउ आई एम अप्लाइंग लैशेस. बहुत आराम से लैशेस लगानी है. एंड वैसे तो क्लाइंट को बोलना चाहिए आंखें बंद रखो ताकि वो सेट हो जाए थोड़ी देर में. नेक्स्ट आई एम जस्ट क्लीनिंग हर फेस विद अ वेट टिश्यू. यू कैन यूज़ अ माइसेलर वाटर या फिर आप वेट टिश्यू ले सकते हो. अब मैं फेस ऑयल लगा रही हूँ, फेस ग्लास ऑयल. एंड ऑयल आई एम यूजिंग इज फ्रॉम लवर, दैट इज 24 कैरेट गोल्ड पार्टिकल्स वाला ऑयल है. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं. नेक्स्ट टाइम अप्लाइंग एम्ब्रोलीज की क्रीम, मॉइस्चराइजिंग क्रीम, एंड जस्ट प्रेपिंग हर स्किन. बिकॉज अगर स्किन ड्राई है, पैची, अगर केकी नहीं दिखानी है तो हमें प्रेप बहुत अच्छे से करना होगा. मेक श्योर कि आप अच्छे से प्रेप करो स्किन को, ब्लेंड इट ऑल ओवर. नाउ अप्लाइंग स्मैश बॉक्स का प्राइमर. प्राइमर के बाद हम लगाएंगे डार्क कलर करेक्टर, दैट इज़ ऑरेंज कलर करेक्टर, बहुत थोड़ा थोड़ा, सो दैट जो भी ब्रूजेज, मार्क्स, पैचेस जो भी हो सब छुप जाए. एंड आई एम जस्ट ब्लेंडिंग इट विद अ ब्रश. करेक्टर लगाना है ये आपकी चॉइस है, नहीं लगाना आप डार्क कंसीलर से भी कर सकते हैं, बट मैं कहूँगी करेक्टर ज़रूर लगाया करो. उससे क्या होता है कि जितनी भी स्किन अंडरटोन होती है, जो भी पिगमेंटेशन होती है, मार्क्स होते हैं, सब छुप जाते हैं. नेक्स्ट आई एम यूजिंग डर्मा का कंसीलर. थोड़ा सा स्किन शेड से डार्क है, बट मैं उससे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ उनकी स्किन में एंड ब्लेंडिंग इट ऑल ओवर विद अ ब्रश. नाउ आई एम टेकिंग अ ब्यूटी ब्लेंडर. ब्लेंडर जो है वो है फॉरएवर 52 का. अब मैं उससे ब्लेंड कर रही हूँ, टैप कर रही हूँ स्किन में. एंड ऑब्वियसली आपने देखा होगा हम बहुत गप्पे मार रहे हैं. ऑब्वियसली जब कोई फ्रेंड किसी फ्रेंड का मेकअप कर रही होती है तो यू कांट स्टॉप इट. फाउंडेशन मैंने यूज़ किया है मिलानी का, नहीं आई थिंक मैंने सॉरी नार्स का यूज़ किया है. सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस. एंड अगर आपको अच्छी कोई फाउंडेशन चाहिए या रीजनेबल चाहिए तो आप फॉरएवर की यूज़ कर सकते हो, मिलानी की यूज़ कर सकते हो, या अभी मैंने एक करंट फेवरेट मेरी चल रही है अनस्ताजिया की, मैं उसका एक रिव्यू शेयर करूँगी अपने ऊपर यूज़ करते हुए. यू विल लव दैट फाउंडेशन. अब मैंने अच्छे से ब्लेंड करने के बाद आई एम जस्ट अप्लाइंग अ लिक्विड ब्लश ऑन हर चीक बोन्स. एंड वाओ, लुक एट इट गाइस, कितना प्यारा ग्लो आ गया है. नाउ आई एम जस्ट कंसीलिंग, हाईलाइटिंग हर अंडर आई एरिया, जो मैं हर एक का करती हूँ. इससे बहुत अच्छी लुक आ जाती है. मेक श्योर आप ये ज़रूर करो हाईलाइट, ब्लेंड इट ओवर. अब मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से उसको ब्लेंड कर रही हूँ, डैब कर रही हूँ. ऑब्वियसली स्किन टोन मैच करने के लिए ये करना ज़रूरी है. एंड डोंट वरी गाइस, बहुत ओवर मेकअप नहीं लगता है. मैंने बेकिंग कर दी है. नाउ अप्लाइंग अ काजल लोअर लैश लाइन पे. मैं उसको फिर थोड़ा सा ब्लेंड करूँगी. एंड आई एम जस्ट स्मजिंग द काजल विथ अ स्मॉल स्मजिंग ब्रश. Now I'm taking off all the translucent powder from her face or setting it all over on her face. इससे मेकअप बेस सेट हो जाता है. एंड नाउ आई एम कंटोरिंग. आई एम यूजिंग फॉर एवर 52 की कंटोर पैलेट. यू गाइज, दिस पैलेट इज़ अ मस्ट हैव इन योर वैनिटी. अगर आप एक मोआ हो, अगर आप एक बिगनर हो, या आप एक ब्राइड टू बी हो, या आप अपनी कलेक्शन में कंटोर ऐड करना चाहते हैं, तो डू गाइज ऑर्डर फ्रॉम फॉरएवर 52. मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, गाइस कैन जस्ट ऑर्डर इट. आई एम यूजिंग फॉरएवर 50 लॉरेल का आईब्रो प्रोमेड ब्रो किट है जो,
बहुत अच्छा एंगुलर ब्रश मैंने यूज़ किया है कलर बाग का, सो ट्रस्ट मी ऑन दिस, अमेजिंग है ये। नाउ आई एम यूजिंग ब्लशर फ्रॉम फॉरएवर 52 का पैलेट ब्लशर, बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है गाइज, ट्रस्ट मी ऑन दिस, बहुत प्यारी लुक आ रही है, आईज भी बहुत प्यारी लग रही है। मैंने लिप बाम लगाया था उनके लिप्स पे एंड आई एम जस्ट क्लीनिंग इट विद अ ड्राई टिश्यू, एंड मैंने लिप लाइन लगाया है फॉर के ब्यूटी का, इट्स अ ब्राउन टोन शेड, आई शेयर इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ आई एम अप्लाइंग अ न्यू कलर फ्रॉम द फॉरएवर 52 पैलेट एंड मस्कारा मैं यूज़ कर रही हूँ चारमेसी का, एंड लुक एट द फिनिश गाइज, एंड शी इज़ जस्ट लविंग, वाओ ने बहुत अच्छा लग रहा है मेकअप, ट्रस्ट मी ऑन दिस, बहुत प्यारी लग रही थी वो, एंड यू कैन सी द ग्लो, इसमें कोई फिल्टर नहीं है, कोई एडिट नहीं है, मैंने यूज़ किया है मैक का मेकअप फिक्सर, मैक में बहुत अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं, मैं नीचे लिंक शेयर कर रही हूँ, एंड टडा दिस इज़ द फाइनल लुक, इंडो वेस्टर्न इंडियन लुक जो हमें ट्रेडिशनल भी लग रही है, मॉडर्न भी लग रही है, दोनों लुक दी है, एंड वाओ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।